हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अनिल, आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अरहंत रियल एस्टेट में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सेक्टर 9 का काफ़ी बढ़िया 2 BHK दिखाने वाला हूं। इसका व्यू काफ़ी बढ़िया व्यू आपको यहां पे मिलता है दोस्तों। प्राइस की भी बात करेंगे, वीडियो भी देख लेंगे, तो वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो लोग प्रॉपर्टी देख रहे हैं उनके अंदर, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है दोस्तों। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो लॉबी मिलता है एंट्रेंस लॉबी, तो कुछ इस टाइप का लॉबी आपको यहाँ पे मिलता है। ये जो फ्लैट है रिसेल का फ्लैट है। फ्लैट के साथ मिलता है आपको ओपन पार्किंग, 2 BHK फ्लैट है। तो काफ़ी बढ़िया फ्लैट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं बिल्डिंग के ऊपर। आप देख सकते हो जो स्पेसेस मिलता है यहाँ पे आपको, काफ़ी बढ़िया स्पेसेस आपको यहाँ पे मिलता है दोस्तों। चलते हैं फ्लैट के अंदर, देखते हैं फ्लैट के साथ। तो ये रहा आपका हॉल। यहाँ पे जो आपको फ्लैट के सामने जो व्यू मिलता है वो दोस्तों काफ़ी बढ़िया व्यू आपको यहाँ पे मिलता है दोस्तों। काफ़ी यानी कि लाइफ स्टाइल वाला व्यू आपको जो आपको व्यू मिलता है पूरा। अब ये नेट बट बिठाने के कारण आपको जो व्यू आपको अगर दिखता होगा दोस्तों, आप देख सकते हैं आपको जो व्यू मिलता है काफ़ी बढ़िया सा व्यू आपको यहाँ पे मिलता है दोस्तों। लेक व्यू, पूरा लेक व्यू में आपको ऐसे मिलता है दोस्तों। G+13 का टावर है दोस्तों। हॉल की साइज काफ़ी बढ़िया है। जो किचन है आपको कुछ इस टाइप का किचन आपको यहाँ पे मिलता है। किचन को मिलता है 2 फीट का फ्लावर बेड। ये जो फ्लैट है अभी बहुत देर से खाली हो चुका है, इसलिए थोड़ा अभी मेला हो चुका है दोस्तों। अभी यहाँ पे आपको जो मिलता है कॉमन टॉयलेट बाथरूम, और कॉमन टॉयलेट बाथरूम के पीछे वो स्पेस मिलता है, वो काफ़ी बढ़िया स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है दोस्तों। देख सकते हो वॉशिंग मशीन रखने के लिए आपको काफ़ी बड़ा, यूज़ करने के लिए आपको ये जो स्पेस है काफ़ी बढ़िया यूटिलाइज कर सकते हो आप। चलते अपने बेडरूम्स की तरफ। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मिलता है जो अपना कॉमन बेड, और कॉमन बेड को मास्टर बेड को बड़ा बड़ा बालकनी मिलता है, तो आपको वहाँ से व्यू भी अच्छा मिलने वाला है दोस्तों। आप देख सकते हो कॉमन बेड का जो बालकनी है वो काफ़ी अच्छा है। और ये जो प्रोजेक्ट है सेक्टर 9 में है, तो आपको ये जो व्यू है वो काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ से अगर स्टेशन की बात करेंगे कितना दूर है, तो लगभग आपको 500 मीटर डिस्टेंस के अंदर ही ये स्टेशन मिलने वाला है। मे बी 200-300 मीटर का ही डिस्टेंस रहने वाला है स्टेशन का। तो वॉकिंग डिस्टेंस की बात करेंगे लगभग आपको 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसा डिस्टेंस और ऐसा फ्लैट आपको कुछ इस प्राइस रेंज में मिलने वाला है जैसे मैं अभी बताने वाला हूँ दोस्तों। ये जो प्राइस रेंज है दोस्तों, ये ओनर का कोटिंग प्राइस है यहाँ पे 1,10,00,000। और ये जो प्राइस है ये निगोशिएबल प्राइस है दोस्तों। ये प्राइस में भी ऑल इंक्लूड भी हो सकता है। अभी जो प्राइस है वो आस्किंग प्राइस है, उसको डिमांड है। और मुझे पता है दोस्तों ये प्राइस के अंदर ही आपको आने वाला है दोस्तों। तो आप इतना प्राइस सुनकर आप ये मत सोचो कि यार ये जो फ्लैट है हमारे बजट के बाहर जा रहा है। ये रहा अपना मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम का भी साइज थोड़ा ठीक ठाक ही है, लेकिन इसका हॉल का जो साइज है वो काफ़ी बढ़िया मिला मुझे। और मास्टर बेडरूम को भी मिलती है आपको बहुत बड़ा बालकनी, आप देख सकते हैं यहाँ से।
यानी कि ये जो फ्लैट है आपको किचन हॉल बेडरूम्स दोनों भी बेडरूम्स को जो व्यू मिलता है आपको पूरा लेक व्यू मिलता है। और ये जो व्यू है वो लाइफ टाइम आपको रहने वाला है दोस्तों। जो लोग देखते हैं ना प्रॉपर्टी के, भाई अपने प्रॉपर्टी के अपने फ्लैट के सामने कोई ऑब्स्टिकल आना नहीं चाहिए, प्राइवेसी होना चाहिए, तो कुछ उन लोगों के लिए ये फ्लैट काफ़ी बढ़िया होने वाला है दोस्तों। ये जो प्राइस है ये प्राइस निगोशिएबल होने वाला है, तो ये प्राइस कंसिडर करके आप ऐसा मत सोचिए कि विजिट करें। एक बार विजिट करोगे तो आपको फ्लैट भी समझ में आएगा, एक बार मीटिंग करोगे तो आपका बजट भी सेट हो सकता है दोस्तों। 1,10,00,000 है, ये में भी इंक्लूडिंग ऑल हो सकता है। अभी जो प्राइस कोटिंग है वो 110 प्लस स्टैम्प ड्यूटी है, लेकिन ये जो प्राइस है वो दोस्तों निगोशिएबल होने वाला है। तो दोस्तों अगर फ्लैट अच्छा लगता है तो एक नंबर पर कॉल करके अपना विजिट कंफर्म कर सकते हो दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखिए दोस्तों।